दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अगर फिर से माय स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार पुरानी पेंशन योजना से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। बिहार की नीतीश सरकार ने कहा कि 2004 में वाजपेयी सरकार ने 1972 के पेंशन उपबंधों के स्थान पर भागीदारी केंद्रित एनपीएस योजना को आकार दिया था, जिसे बाद में संप्रंग यानी कांग्रेस सरकार ने भी सशक्त बनाया है। और इसी कारण आज राज्य जो है पुराने पेंशन योजना को त्याग कर नई पेंशन योजना देने को मजबूर है। हालांकि पुराने पेंशन असल में पिछली सदी के 8वें दशक की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की मांग पर निर्भर थी और यह सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर 50% रकम को पेंशन के रूप में निर्धारित करती थी। और यह वह दौर था जब वेतन आज की तरह ऊंचे नहीं थे, औसत आयु भी कम थी, इसमें कर्मचारियों को सीधे कुछ भी देना नहीं पड़ता था, जबकि एनपीएस में उन्हें 10% का अंशदान देना होता है। सरकार भी 14% जमा करके पेंशन फंड में अपना योगदान देती है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना उस समाजवादी सोच की उपज है, जिसने राज्य की अवधारणा में नागरिकों को राज्य पर आश्रित बनाकर रखना चाहा। आज भारत में समाजवाद से आगे वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी जगह बनाना चाह रहा। 1991 के बाद से जिन आर्थिक नीतियों पर देश आगे बढ़ा है, वहाँ पुराने पेंशन जैसे प्रकल्प स्वीकार नहीं किए जा रहे। ऐसे में पुरानी पेंशन का बोझ करदाताओं के साथ अन्याय तो होगा ही, साथ ही इससे लोकधन के समावेशी वितरण पर भी सवाल उठेगा। बिहार की सरकार ने देश के कई राज्यों में हाल के दिनों में सर्वे करवाया और इसमें ये आंकड़ा निकाला गया कि सरकारी कर्मियों पर कौन से राज्य कितने खर्च कर रहे हैं। और ये आंकड़ा जब सामने आया तो इसमें निकला कि बिहार कुल राजस्व का 58% खर्च करता है, उत्तराखंड 58%, झारखंड 31% और बंगाल 32% हिस्सा अपने संपूर्ण बजट का सरकारी कर्मियों पर खर्च कर देता है। जिस राजस्थान ने एनपीएस को खत्म करने का निर्णय लिया है, वहाँ पर हालत यह है कि कुल राजस्व के 58,000 करोड़ रुपए में से 48,000 करोड़ रुपए वेतन भत्तों और 19,000 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च करने पड़ रहे। पंजाब में पिछले 5 वर्ष में 44% खर्च बढ़ा है और वो अपने 1,50,000 करोड़ रुपए के बजट में से करीब 61,000 करोड़ रुपए कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर ही खर्च कर देता है। बिहार सरकार ने कहा है कि पुरानी पेंशन बिहार में लागू करना अभी संभव नहीं है। बिहार सरकार ने यह भी कहा कि चुनावी मुहाने पर खड़े राज्यों को लगता है कि वो पुराने पेंशन बहाली करने के वादा करके चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ताजा उदाहरण सामने बिहार सरकार ने रखे हैं, जहां पर भाजपा को विपक्षी दल इस वादे के बावजूद हारा नहीं पाए। बिहार सरकार ने राज्य में अभी साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की सरकार अभी पुराने पेंशन योजना लागू नहीं करने वाली है और इसको लेकर एक बार फिर से विचार विमर्श किया जाएगा, इसके बाद ही इस पर कुछ सोचा जाएगा। तो दोस्तों मिले कि आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बिहार पुराने पेंशन योजना से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।